गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी गुरु है जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर देता है। यही मामला दरभंगा जिला थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकपुर गांव की एक कोचिंग संस्थान का है, जहां कोचिंग संचालक की दिल की बात नहीं मानना एक छात्रा को महंगा पड़ गया। कोचिंग संचालक ने तेज धारदार हथियार से छात्रा का गला रेत कर फरार हो गया, जो छात्रा डीएमसीएच में जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। बताया जाता है कि दरभंगा जिले के ज्वाली थाना क्षेत्र के कछुआ पंचायत की मनिकपुर गांव की है, जहां 11वीं संतोष शर्मा की पुत्री 16 वर्षीय छात्रा पूनम कुमारी को मलिकपुर गांव निवासी भिकन शर्मा के पुत्र किशन शर्मा कोचिंग संचालक ने कोचिंग क्लास खत्म होने के बाद उक्त छात्रा को अकेले रुकने के लिए कहा और छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, परंतु छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो कोचिंग संचालक ने छात्रा को चाकू से गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। वहीं क्लासरूम में छोड़कर अपने मोटरसाइकिल को तेजी से स्टार्ट कर फरार हो गया। जब लोगों को शक हुआ तो क्लासरूम में जाकर देखा तो उक्त छात्रा खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन ने घायल छात्रा को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती किया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। वही घायल छात्रा के मामा संजय कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षक के व्यवहार से तंग आकर 10 दिनों से पूनम कोचिंग जाना छोड़ दी थी, परंतु शनिवार को कोचिंग टीचर कृष्ण शर्मा घर पर आकर अच्छी तरह से पढ़ने का नाम बोलकर उसे कोचिंग बुलाकर ले गया, जहां कोचिंग खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट को छुट्टी कर दी गई और पूनम को कोचिंग में अकेले रहने को कहा गया। जब सभी स्टूडेंट कोचिंग से निकलकर चले गए तो शिक्षक कृष्ण शर्मा छात्रा पूनम के साथ जबरदस्ती करते हुए बात नहीं मानने पर हत्या और अपहरण की धमकी देने लगा, जिससे हमारी भांजी पूनम ने विरोध किया है तो शिक्षक आक्रोशित होकर गला काटकर मौके से फरार हो गया। जिसको हमारी भांजी पूनम ने विरोध किया तो शिक्षक ने आक्रोशित गला काटकर मौके से फरार हुआ, जिसके बाद हम लोग इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचे हैं। पहले ठीक पर है चले 10 दिन से नहीं अच्छा पर है चले ओ तो कह चले तो नहीं हम पर बगा ओ उन्हें ठीक से पर है चले अकेला ले का। अच्छा, जहां पे मतलब गला देता है तो वहां पे और कोई भी विद्यार्थी सब थी? विद्यार्थी के भगा दल चाहिए। अच्छा, ये मास्टर है कहाँ के? मिलखुर के रहने वाला। कौन थाना अंतर्गत? जाले थाना अंतर्गत। आपकी बच्ची का क्या स्थिति है अभी? बहुत स्थिति गला रहती है, बहुत था जी। क्या कुछ घटना घटी है जी? हमारे भांजी के साथ गला रह दिया गया जी। कारण ये है कि वो लड़का जिस पढ़ाता है टीचर, नाम किशन शर्मा है जी, बाप का नाम भिकन शर्मा है, ग्राम मलिकपुर रहने वाला है। वो जबरदस्ती लड़की जब 10 दिन से पढ़ाने जाती थी, जबरदस्ती घर पे आया और बोला कि हम पढ़ाएंगे बढ़िया से, उसके लालच में चली गई पढ़ने के लिए और जबरदस्ती करा किया। बहुत सारा अपराध कहा गया, हत्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा बात बताया उसको, हमारे साथ ये करो वो करो, जब वो नहीं करना चाहे तो गला दे दिया और भाग गया। जब लड़की वहाँ पे, दो लड़की थी, एक किसी तरह भगा दिया जिसको अपने घर का मानता था वो, और ये भी तो उसका अपना ये भतीजी लगता था, लेकिन वो गला रेत दिया है, 5-6 जगह बुरी तरह से घायल है और बड़ी स्थिति उसका खराब है, नाजुक स्थिति है। हम लोग को जो खबर 10:30 हुआ अपने घर से, वहाँ से रवाना सीधा को लेकर चले आए, आगे बर्दाश्त जो है हम लोग मुखिया सरपंच को कह दिए हैं कि भाई उसको पकड़ के रखे, लेकिन अभी तक मुझे खबर नहीं है। हम लोग तो यहाँ इलाज के लिए डीएमसी पहुँचे। तो पुलिस घटना स्थल पे गई थी जी? अभी पता चला कि गई थी, लेकिन वो ताला मार के घर पे भाग गया, सब माँ बाप सब उसका भाग गया। गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ जी? नहीं।